हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डू लाइक दिस वीडियो टू। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है विटेकर्स क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट रहा। फाइव जो है उनके विटेकर्स क्लासिफिकेशन के जो उनका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे आते थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने क्या स्टडी किया था, वायरसेस, वायराइड्स को भी हमने स्टडी किया था, लाइकन्स जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको भी हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आती थी कि एनिमेलिया और प्लांटे जो था, जो आपने प्लांट किंगडम क्यों यहाँ पे आपको स्पेसिफिक, अभी हमारा फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है ना, उसी में आपको ये प्लांट किंगडम दिया हुआ है। ये रीज़न ये रहा कि जब आपने पिछले वाले चैप्टर में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वहाँ पे आपने डिटेल में प्लांट और एनिमल को नहीं पढ़ा है ना। जो आपके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उसको आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। यहाँ पे आपके पास वो चीज़ें डिटेल में आ रही हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एक चैप्टर स्पेसिफिक आपको प्लांट किंगडम का दिया हुआ है और एक चैप्टर स्पेसिफिक आपको एनिमल किंगडम का दिया हुआ है। अब जो ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, ये थोड़ा सा इलैबोरेट इसमें डिस्कशन होता है, लेकिन काफ़ी ईजी चैप्टर है और एनसीईआरटी ही इनफ है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली प्लांट किंगडम है क्या, मतलब चीज़ों को अगर आपको याद रखना है तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा इलैबोरेटेड पढ़ लेने से वो चीज़ें फिर याद नहीं रहती। डिटेलिंग के लिए आप जो है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कहीं और, लेकिन आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। और एनसीईआरटी बेस्ट भी है और साथ ही साथ में एनसीईआरटी को क्या है, फर्स्ट टाइम जो है एक बार प्रॉपर रीडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कुछ भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बट एक बार आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर प्लांट किंगडम। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके की जो है टैक्सोनॉमी आज हम यूज़ कर रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले ही कि क्या क्या आपका इसमें ब्रॉड टॉपिक है। एक तो है आपका एल्गे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ये प्लांट किंगडम के वो हैं, जो अभी आप पढ़ोगे अलग अलग टाइप्स हैं उनको अभी हम धीरे धीरे करके क्लासिफिकेशन जब करोगे तब आपको ये पता चलेगा। टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, एंड आई थिंक आपने ये सब कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर ये प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक ये डिफरेंट टॉपिक है जिसमें आप जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है बट इट्स ईजी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। आप सबको याद है कि आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। पिछले चैप्टर में हमने उसी के ब्रॉड क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, वेयर इन ही सजेस्टेड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, एनिमेलिया एंड प्लांटे, ठीक है। आप लोगों को याद है किस तरीके से था ये, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इस तरीके से था ये। और हमने एक एक पे स्पेसिफिक वीडियो आपको दी थी, जिन्होंने नहीं देखी है चैप्टर्स को स्किप मत करो, टॉपिक्स को स्किप मत करो, एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, ठीक है। इन दिस चैप्टर, सो इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वी विल डिस्कस दैट। पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम, आप किंगडम प्लांटे बोलो या प्लांट किंगडम बोलो, सेम ही थिंग है। किंगडम प्लांटे को ही हम लोग जो है पॉपुलरली आजकल क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम बोला जाता है, और किंगडम एनिमेलिया को ही एनिमल किंगडम बोला जाता है। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आर सराउंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम, ठीक है। हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है कि जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी प्लांट किंगडम की, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। जैसे हम पहले सोचते हैं, जैसे आप भी सोचते होंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे ट्रीज आपने देख लिया, श्रब्स देख लिया, हर्ब्स देख लिया, बस वही ट्री, वही प्लांट्स होते हैं। नो, प्लांट्स बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, अगर आप देखना चाहो तो इतने ज़्यादा हैं कि आप उन्हें एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। फंजाई एंड मेम्बर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे, द अर्लियर क्लासिफिकेशंस पुट देम इन द सेम किंगडम। ये आप लोगों को याद है ना, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एरिस्टोटल आए, फिर हैकल आए, अर्नेस्ट हैकल और सबका नाम मैंने आपको बताया था, कार्ल वूज आए, तो ये चीज़ आपको पता है कि पहले तो ये सब एक में ही प्लेस थे, अब इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, पहले एक में ही थे ये प्लेस्ड, है ना। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट
आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गे एनीमोर. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि साइनोबैक्टीरिया जिसको हम पहले क्या मानते थे ब्लू ग्रीन एल्गे, वो एल्गे नहीं रहा है. ठीक है, वो एल्गे नहीं है जिससे पहले ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता है. इट्स नॉट एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है वो. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटे अंडर एल्गे, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ये आपको याद रखना है. जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया को याद कर लो, क्योंकि क्या चीज़ें चलेंगी, इवोल्यूशनरी हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि पहले क्या था, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर इस तरीके से. तो अगर आपको सीरीज प्रॉपर याद रहेगी तो कुछ चीज़ें आप लॉजिकली भी जो है पुट कर सकते हो आंसर्स में. तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को याद रखो, एल्गे हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गया और एंजियोस्पर्म्स हो गया. ठीक है, सो लेट अस लुक आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब यहाँ पे आपको बताया कि जो आपका एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स यानी कि कौन से होते हैं. मुझे लगता है कि आपको इतना तो आता होगा कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं. ठीक है, निकिट सीड वाले कौन से हैं, ये चीज़ आई थिंक मैं आप पे ही छोड़ती हूँ कि आप इसे कमेंट करो. एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वेरी वेरी इजी, और मुझे लगता है कि हर किसी को आना चाहिए इतना तो. जिन्होंने भी बायो ऑप्ट किया इतना तो पता हो आपको कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं. सो जॉट डाउन योर कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स. आप लोगों को एक कमेंट अपना लिखना है कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताना है कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है और एंजियोस्पर्म्स क्या होता है. ठीक है, जिसने जब देख लिया उस समय उसको आप लिख दोगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स जो है कुछ कंसर्न्स आपको इसमें जो है बता रखे हैं कि धीरे धीरे एंजियोस्पर्म्स का भी क्लासिफिकेशन कर लिया गया है. ठीक है, हमें इनका भी क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है मोनोकॉट्स डाइकॉट्स में. ठीक है, द अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. अच्छा, अब आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा बताया कि जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वहाँ पे सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो हम एक्सटर्नल बाहर से देखते हैं किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसका. सुपरफिशियल होता था ये, मतलब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के सुपरफिशियल कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल. जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, किसी भी सीड की या किसी फ्रूट की कैसी हैबिट है, कैसा कलर है, कलर येलो है, ऑरेंज है, नंबर कितने हैं. नंबर क्या कह सकते हो आप, नंबर जैसे कि हम कहते हैं ना कि सीड्स में कितने नंबर है, नंबर ऑफ कॉटलेडन्स कितने हैं, शेप कैसा है लीव्स का, कौन सी वेनेशन है, क्या सब चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों से पहले किया जाता था अर्लियर जो था सिस्टम, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. बेसिक सी बात है, जब आप मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हो, मॉर्फोलॉजी मीन्स जो आप बाहर से देख रहे हो एक्सटर्नल अपेयरेंस है ना, तो जब आप मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हो तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ही तो दिखते हैं. अगर आप एक प्लांट को बाहर से देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, टिश्यूज, सेल्स? नहीं, आपको बाहर से तो सिर्फ उसका वेजिटेटिव पार्ट दिख रहा है, ग्रीन पार्ट, रूट है, शूट है, लीफ है, ये सब दिखेगा. और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपको याद है, तो आप बाहर से उन्हीं चीज़ों को देख सकते हो, एंड्रोशियम को देख सकते हो, गाइनोशियम को देख सकते हो. ये सिस्टम समथिंग लिनियस ने दी. कौन थे, कार्लस लिनियस ने ये दिया. आपको याद रखना है कि जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहा है वो किसने दिया है, कार्लस लिनियस ने. थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, एक तो आपने पढ़ लिया जिसमें हम क्या करते हैं, जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या आप याद रख सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं, ये कार्लस लिनियस ने दिया था. एंड सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोज, ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहते हैं हम, ठीक है. इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या ड्रॉबैक रहा कि हमने इसको बाद में छोड़ दिया. आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट थिंग कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लाइक आर्टिफिशियल है ये वाला. और फिर आपको सेकंड थिंग याद रखनी है, किसने ये प्रपोज किया, किसने दिया है, किसके थ्रू गिवन है ये, तो फिर आप वो याद रखो. और थर्ड पॉइंट आप याद रखो कि वो क्या है उसके अंदर, मतलब आर्टिफिशियल है तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाली बात है. और फोर्थ पॉइंट आप ये याद रखो कि इसका क्या ड्रॉबैक रहा, क्यों हमने शिफ्ट किया, ठीक है. सो सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज since they were based on a few characteristics. इनमें कुछ ही characteristics थे. Also the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. अब यहाँ पे क्या होता था, सबसे बड़ी problem यही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि few characteristics, ये तो एक problem है कि कुछ ही characteristics हैं. भाई हमें जब broad division करना है तो हम few characters से कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा knowledge gain करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें properly divide करना है. अब यहाँ पे बताया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपकी ड्रॉबैक में, कि आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. अब किसी प्लांट का जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते कि दोनों की वेटेज सेम है.
वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, डिफरेंट कर भी सकते हैं हम, आपने से पढ़ा होगा हाइब्रिड्स है ना, तो हम चेंज भी कर सकते हैं किसी किसी हद तक वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि डिपेंडेंट एक काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं हम कि इन्वायरमेंट भी अफेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है अफेक्ट होती है ना वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बारिश है तो समथिंग डिफरेंट विल टेक प्लेस, अगर धूप है तो कुछ अलग होगा, अगर कुछ भी कह सकते हो आपने फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट वेजिटेटिव पार्ट पे पड़ गया, या आप कह सकते हो आपने हाइब्रिड प्रोड्यूस कर दिया, तो वो चीज़ें चेंज होती है, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की या एनिमल्स की चेंज नहीं हो सकती है ना, जब तक कि कोई बहुत बड़ा इवोल्यूशन ना आ जाए, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट, ये हम ये चीज़ हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब दूसरा कौन सा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या हुआ गया नेचुरल एफिनिटीज पे बात की गई है, आप याद रखो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में नेचुरल एफिनिटीज पे बात की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर होना, एनाटॉमी मतलब जैसे इसमें हम सेल्स को पढ़ते हैं, टिश्यूज को पढ़ते हैं, कोई प्लांट है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, एनाटॉमी कर रहे हैं हम उसकी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो एम्ब्रियो स्टेट में उसका क्या फेज रहा, क्या चीज़ें मतलब उससे रिलेटेड स्टडी है एम्ब्रियोलॉजी, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये भी आपको पता है फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो इंटरनल फीचर्स हैं, अब हमने इनको भी स्टडी करना स्टार्ट किया, किसमें नेचुरल सिस्टम में। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, याद रखना आपको बेंथम एंड हुकर ने ये दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट अब इसका कोई ड्रॉबैक आपको यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप याद मत रखो, जितना आपको इसमें दिया ना एनसीईआरटी में बहुत इनफ है इन सब टॉपिक्स के लिए। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर एक्सेप्टेबल, अब अभी प्रेजेंट में क्या बताया गया फाइलोजेनेटिक्स सबसे ज़्यादा यूज है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक्स से आपको क्या समझ आ रहा है, मैंने आपको पिछली वाली जो चैप्टर रहा है उसमें भी फाइलोजेनेटिक का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ठीक है, तो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ पर भी आप ध्यान देना, ठीक है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, कैसे वेरिएशंस आए, चेंजेस हुए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है, जिनको भी होप्स हो याद हो तो उनको पता होगा कि क्या होता है इवोल्यूशन, ठीक है। जब चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, कोई भी चेंज जो कोई भी इवोल्यूशन का चेंज, कोई भी वेरिएशन बहुत जल्दी नहीं आता, वेरिएशन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, वो हमने पूरा पढ़ा था कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने देखा हुआ है वो तो उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी आप पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में भी, आपका 12th में भी है, सिर्फ 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में भी है ये, ठीक है। इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स आपको समझ में आ गया कि क्या है, कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या रहा, फिर क्या, जैसे मोनेरा से प्रोटेस्टा बना है ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कौन किससे रिलेटेड है ना, किसका किससे क्या वो रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है, कि इसका पास्ट क्या था, ये सब चीज़ें देखी गई है। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स, अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ मानते हैं, इसका मीनिंग जो है वो ये है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि टेक्सा आपको पता है, अब इतना तो आपको पता ही होगा, पिछले से पिछली क्लास में शायद आपने जो पिछले से पिछला वीडियो रहा है, चैप्टर रहा है, उसमें आपने टेक्सा पढ़ा है, टेक्सा टेक्सॉन याद है कुछ, अब ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कि ये चीज़ें आप देखो यहाँ पे टेक्सा का मीनिंग आपको नहीं बताएंगे, आपको पहले से याद होना चाहिए, अगर आपने स्किप कर दिया, आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो प्लांट किंगडम में कि लिविंग वर्ल्ड में तो कुछ है ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट सो ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखो टेक्सा का मीनिंग जो है, जैसे आपने हायरार्की पढ़ी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, स्पीशीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर, ये सारे अलग अलग आपने पढ़े थे है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही टैक्सा बता रहे कि जो ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या थे, एक एक टैक्सॉन थे, एक एक टैक्सा जैसे हम कहते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो और एक टैक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म, अगर स्पीशीज एक टैक्सा है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी टैक्सॉन है, स्पीशीज एक, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एंसेस्टर एक ही होगा, एंसेस्टर मतलब उनका पास्ट में कोई एक ही ऑर्गेनिज्म रहा होगा, मतलब उससे इवॉल्व हुए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम फोकस कर रहे हैं ना, उससे इवॉल्व हुए वो सब। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, अब दूसरे चीज़ पे हम आते हैं, ये तो हमने सिस्टम पढ़ा,
अब टेक्सोनॉमी पे देखो क्या बताया गया आपको, दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. अब आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कब तक पढ़ सकते हो? जब तक आपको कोई एविडेंस मिलता रहेगा कि इसका पास्ट इस तरीके से था. ह्यूमन बींग का पास्ट हम कैसे समझते हैं कि क्या था? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फॉसिल से सपोर्ट मिला है, हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो वो सब चीज़ें मिलती रहनी चाहिए, तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तीन तरीके टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए तीन तरीके यूज़ किए गए हैं. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी फर्स्ट आता है इसमें. इसमें कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, कोड्स यूज़ किए जाते हैं, नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं. विच इज़ नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या है? अब यूज़ किया जा रहा है नाउ, ठीक है, अब यूज़ किया जा रहा है इसको. इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स और कोड्स देते हैं हम हर कैरेक्टर का. तो क्या होता है, इजी है. अगर मैं पेपर पे लिखूं हर चीज़, मैं पेपर पे कर रही हूँ वर्क कि मंकी का ऐसा था, ह्यूमन बींग का ऐसा है, मतलब अगर मैं पेपर पे लिख लिख के चीज़ों को देख रही हूँ कि मंकी की भी कि मंकी की एक टेल थी, ह्यूमन की एक टेल नहीं, ऐसे करके मैं कितना असाइन कर सकती हूँ? जनरल सी बात है, हम कितना ऐसे करके चीज़ों को वो कर सकते हैं. मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रही हूँ कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. भले ही इंट्रोडक्शन है आपका चैप्टर का, पर टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये समझ में नहीं आते और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रही थी. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि नंबर्स एंड कोड्स जो है क्यों असाइन कर दिया हमने. अब ये चीज़ें आसान हो गई. मैंने आइज के लिए कोड दे दिया, मैंने जो है स्किन के लिए कोड दे दिया, मैंने किसी पिगमेंट के लिए कोड या एक नंबर दे दिया कंप्यूटर को, तो उस चीज़ से डेटा को प्रोसेस करना आसान होता है. ठीक है, एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड इन दिस वे. Each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. एक टाइम पे कंप्यूटर में आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हो, लेकिन पेपर पेन पे आप हंड्रेड कैरेक्टर्स को लिख भी नहीं सकते. मतलब एक टाइम पे आप लिख सकते हो कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप नहीं कर सकते. दिस इज सो मच डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जो कंप्यूटर्स में किया जाता है और आजकल यूज़ हो रहा है. साइटोटेक्सोनॉमी क्या है? साइटो से मैंने आपको बताया था सेल, याद है कुछ नाइन्थ क्लास में. ठीक है, साइटो का मतलब क्या है? सेल. साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब होता है जिसमें हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेंगे. साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे. क्या हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन? क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, न्यूक्लियस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो कि आपका डीएनए से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का, बिहेवियर कैसा, बिहेवियर जैसा आपके डीएनए का जो प्रोटीन है जो हमने स्टडी किया था उसके बिहेवियर पर ही तो आपका भी बिहेवियर डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, एंड कीमोटेक्सोनॉमी क्या है? केमिकल से रिलेटेड है आपका. कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीस डेज. तो ये तीनों चीज़ें यूज हो रही हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो एंड कीमो टेक्सोनॉमी. साइटो टेक्सोनॉमी एंड कीमो टेक्सोनॉमी. तो ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. अब मैं एक बार थोड़ा सा इसको फटाफट हम समरी कर लेते हैं. हमने पढ़ा प्लांट किंगडम, ठीक है, इसमें हमने विटेकर की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी. इस चैप्टर में जो जो आपको पढ़ना है वो है एल्गे, मेन ब्रॉड जो आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सुपर जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, और ड्रॉबैक क्या है कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो इफेक्ट हो जाती है इन्वायरमेंट से. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा कि नेचुरल एफिनिटीज़ को देखा गया, इसमें एक्सटर्नल के साथ इंटरनल फीचर्स को भी लिया गया, जैसे कि एनाटॉमी देखी हमने, एम्ब्रियोलॉजी देखी, फाइटोकेमिस्ट्री देखी, अल्ट्रास्ट्रक्चर्स देखे. ठीक है, एंड ये किसने दी थी? बेंथम एंड हुकर ने. और ये वाली जो है वो किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने. आर्टिफिशियल सबसे पहले आई थी. ठीक है, फाइलोजेनेटिक हमने क्या देखा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं. इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा में है उनके एंसेस्टर सेम है. ठीक है, अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हमने उसके बाद स्टडी की, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोसा. न्यूमेरिकल में क्या होता है? नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन, कंप्यूटर को असाइन कर दिया जाता है फॉर एवरी कैरेक्टर, एंड देन हंड्रेड्स आप देख रहे हो कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड एट वन. ठीक है, ये भी चीज़ हमने देखी थी. फिर साइटोटेक्सोनॉमी में हमने क्या देखा? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, डीएनए स्ट्रक्चर, बिहेवियर एक्सेट्रा कैन बी स्टडीड. फिर कीमोटेक्सोनॉमी में हमने क्या स्टडी किया कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, किस तरीके से केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब कोई प्लांट है, कोई हर्ब है, कोई शर्ब है, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हम देख सकते हैं ना कि इनके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल है, कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट है. ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी किया. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एल्गे, थैलोफाइटा में जो आता है. ठीक है, टॉपिक छोटा रहेगा.
एल्गे का, ठीक है। एल्गे में आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मैं आपको कुछ टेबल भी बताऊँगी अगर पॉसिबल रहा तो, एक अच्छी सी टेबल आपको बताऊँगी मैं याद करने के लिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी को। एक तो आपको गिवन ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर लिया है हमने और इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक लाइन, हर एक मीनिंग जो है वो अच्छे से पता चले। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।